वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 29 अगस्त 2024, और 29 अगस्त 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भवन का उद्घाटन किया, राजस्थान ने की श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा, और हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें, और इसके पास में बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें, सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। हाल ही में एसीआई अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तन्वी पत्री ने। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? संजीव रैना। 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन द्वितीय का परीक्षण किसने किया? तो ये पाकिस्तान ने। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई? 5। जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीदार कौन बना है? तो वो बना है भारत। भारत और किस देश ने आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक में आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया? भारत और इंडोनेशिया के बीच। और कौन सा राज्य विधानसभा चुनाव से पहले एकीकृत पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो वो है महाराष्ट्र। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। टेलीग्राम पे आपको एक पोस्टर मिलता है, उसमें वन लाइनर आपको वहां पर भी इस प्रकार रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा टेस्ट आपको इसका कल शाम को मिल चुका है, कल वाली क्लास का। इसके अलावा कल मैंने अगस्त 2024 तक वर्तमान के अंदर कौन क्या की ताजा अपडेट के साथ में मैंने क्लास आपको दे दी है। जिस भी साथी ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देख लेना। तो अगस्त तक जितने भी नई नियुक्ति हुई है, नए महानिदेशक बने हैं, पूरी की पूरी डिटेल मैंने उस क्लास के अंदर करवा दी है। तो वो वर्तमान में कौन क्या, आप क्लास को जरूर देखें ताकि आपके लिए नया अपडेट, नई नियुक्तियां जो है आप जान सकेंगे। तो वो क्लास आप जरूर देख लेना। स्टार्ट करते हैं आज की 29 अगस्त 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? हाल ही में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, और इन्होंने किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? तो ये किया है राजस्थान के उदयपुर जिले में। कहाँ पर है? राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। और अब की बार आपको बताया, इन्होंने जो है 6ठी बार बजट पेश किया था 2024 के अंदर, इन्होंने जो है 6ठी बार बजट पेश किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में हिरण मगरी क्षेत्र में स्थित नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। तो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने उदयपुर में हिरण मगरी क्षेत्र में स्थित नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में वैदिक मंत्रोच्चार और परिसर को आधिकारिक रूप से खोलने के लिए पट्टिका का अनावरण भी यहां पर शामिल था। इस जीएसटी भवन में एक कॉम्प्रेक्स हॉल, एक मीटिंग हॉल, एक डेटा एनालिसिस सेल, और इसके अलावा लाइब्रेरी, पूछताछ सेल और एक गेस्ट हाउस इसके अंदर शामिल होगा। इसके अलावा उन्होंने जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान सीतारमण ने ICETAB 2.0 लॉन्च किया, जो एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, ये याद रखना भी। ICETAB 2.0 लॉन्च किया है, ये क्या एक हेड हैंडल डिवाइस है, इसको भी लॉन्च किया। तो साथ में जीएसटी भवन का उद्घाटन कर दिया और साथ में ICETAB 2.0 लॉन्च किया है। तो दो चीजें यहाँ पर नोट कर लेना। हाल में राजस्थान और किस राज्य में श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की गई है? हाल ही में राजस्थान और किस राज्य में श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की गई? तो ये की है राजस्थान और मध्य प्रदेश ने।
राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्य मिलकर श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की योजना बनाई है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, तो ये अब श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में पीछे जन्माष्टमी गई है ना, उसी के अवसर पर ये घोषणा की गई। तो 26 अगस्त को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की। भगवान कृष्ण की जन्म स्थली से लेकर उनके शिक्षा ग्रहण करने के स्थान को एक धार्मिक सर्किट के जरिए जोड़ा जाएगा। यानी कि उनका जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उनसे तब से लेकर उनके जीवन से लेकर उनके जब जब तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, तब तक उनको एक धार्मिक सर्किट के जरिए यहाँ से ये जोड़ा जाएगा। यह काम राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर करेगी। भगवान कृष्ण के गमन पथ को जल्दी ही तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। जो ये गमन पथ है, उनको जल्द ही तीर्थ स्थलों के रूप में भी विकसित किया जाएगा। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच की बात है। हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कल भी आपको पता चल चुका होगा। तो आईसीसी के अब नए अध्यक्ष बने हैं जय शाह, ऑप्शन नंबर बी। कौन बन गए? जय शाह। और बीसीसीआई के सचिव कौन बन गए? बीसीसीआई के सचिव बन गए रोहन जेटली। कौन बन गए? रोहन जेटली। और आईसीसी के नए अध्यक्ष बन गए जय शाह। और कल ही मैंने आपको वर्तमान में कौन क्या की ताजा अपडेट के साथ में क्लास दी है, वो आप बढ़िया तरीके से उसका अध्ययन कर लेना। जय शाह 27 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी के चेयरमैन चुने गए। वो मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। जय 1 दिसंबर को चेयरमैन का पद संभालेंगे। तो जय शाह है वो 1 दिसंबर 2024 से वह आईसीसी के अध्यक्ष पद का, वो चेयरमैन का पद वो संभालेंगे। इसके अलावा इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के ये सचिव थे। पहले ये सचिव थे जय शाह, लेकिन अब बीसीसीआई के सचिव बनेंगे, नए अध्यक्ष बनेंगे रोहन जेटली, जो अरुण जेटली के बेटे हैं। तो दो चीजें नोट कर लेना, बीसीसीआई के पहले सचिव कौन थे? जय शाह। तो जय शाह अब बन गए आईसीसी के अध्यक्ष, और बीसीसीआई के सचिव कौन बन गए? अरुण जेटली बन चुके हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी? तो ये दिए हैं हिमाचल प्रदेश के सीएम, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो नाम से ही पता चल रहा है सुक्खू यानी कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। तो अपने नाम पर ही सुख शिक्षा योजना, सुक्खू के नाम से ही उन्होंने इस योजना को मंजूरी दी है। किसने? हिमाचल प्रदेश के सीएम ने। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए सालाना 53.21 करोड़ रुपए आवंटित किए। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण को सक्षम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो ये किसके लिए है? भी सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमजोर महिला वगैरह है, विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए सालाना 53.21 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित है किए गए। तो इसलिए उन्होंने इस योजना को मंजूरी दे दी। हाल में भारत ने 28 अगस्त को किस देश से 73,000 सिंह सा असॉल्ट राइफल्स का दूसरा ऑर्डर दिया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है यहाँ पर देखो। तो अभी भारत ने 28 अगस्त को किस देश से 73,000 सिंह शाह असॉल्ट राइफल्स का दूसरा ऑर्डर दिया? तो ये दिया है अमेरिका से, ऑप्शन नंबर डी। कहां से? भारत ने अमेरिका से 73,000 सिंह शाह असॉल्ट राइफल्स का दूसरा ऑर्डर दे दिया। तो अमेरिकी कंपनी सिंगश्योर ने भारत के साथ बड़ी डील की है। अमेरिकी कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ अतिरिक्त 73,000 सिंह 716 राइफलों के सप्लाई के लिए दूसरे खरीद कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी। यानी कि जो पहली डील हुई थी वो तो होगी कंप्लीट, अब दूसरी डील के लिए इन्होंने घोषणा कर दी। सिंगश्योर के एक बयान में कहा गया कि डील पूरी होने पर 1,45,400 ऐसी राइफलें भारतीय सेना की सेवा में होगी। जब ये डील पूरी होगी तब ये 1,45,400 राइफलें भारतीय सेना की सेवा में होगी। और इसके अलावा अब इन्होंने 73,000 राइफलों की सप्लाई के लिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। नेक्स्ट देखो,
हाल ही में किस राज्य में एवियन इन्फ्लुएंजा के H5N1 स्ट्रेन के कारण बर्ड फ्लू का प्रकोप सामने आया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, तो ये एवियन इन्फ्लुएंजा के H5N1 स्ट्रेन के कारण बर्ड फ्लू का प्रकोप सामने आया, तो यह आया उड़ीसा राज्य के अंदर। ऑप्शन नंबर बी किस राज्य के अंदर आया है, उड़ीसा राज्य के अंदर ये बर्ड फ्लू का प्रकोप सामने आया है। तो ये उड़ीसा के पुरी जिले के पिपली कस्बे में एवियन इन्फ्लुएंजा के H5N1 स्ट्रेन के कारण बर्ड फ्लू का प्रकोप सामने आया। वायरस का पता चलने के बाद अधिकारियों ने 11,700 से ज्यादा मुर्गियों को मार दिया है। तो 11,700 से ज्यादा मुर्गियों को यहां पर खत्म कर दिया। संक्रमित मुर्गियों के शवों की जांच भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज में की गई, जिसके अंदर H5N1 की मौजूदगी पुष्टि हुई है। यहाँ की संक्रमित ये मुर्गियां ना, इनके अंदर बहुत ही खतरनाक ये वायरस है, एक बर्ड फ्लू है। कौन सा? ये H5N1 इन्फ्लुएंजा ये स्ट्रेन के कारण है। अब ये बर्ड फ्लू का जो है मामला सामने आया उड़ीसा के अंदर है, तो इससे क्या है 11,700 से ज्यादा मुर्गियों को मारे ये, क्योंकि बहुत से ज्यादा यहाँ पर संक्रमित ये मुर्गियां थी। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि मलयालम फिल्म मेकर एम मोहन का निधन हो चुका है। तो प्रख्यात मलयालम फिल्मकार और पटकथा लेखक एम मोहन का 27 अगस्त को निधन हो गया। इनके करियर में 1978 में शुरू हुआ, 1999 तक चला। उन्होंने करीब 25 मलयालम फिल्मों को डायरेक्ट किया। देखो पाक्से है, इसाबेले, ओरू कथा, ओरू नू कथा, इदा वेले, विदा परनुमुनपे, रंडू पेनकुटिगल और सालिने एंटे कोटिकुरी जैसी फिल्में बनाई थी। तो ये इनकी जो मलयालम फिल्म है ये इन्होंने इन्होंने बनाई थी। तो पूछा जा सकता है, प्रख्यात मलयालम फिल्म और पटकथा लेखक हैं एम मोहन, इनका 27 अगस्त को निधन हो चुका है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, जो मैं आपको शुरू में वन लाइनर रिवाइज करवाता हूँ, वो पोस्टर भी आपको वन लाइनर के रूप में टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, वहां पर भी आप रिवाइज कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस देश ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च किया? तो ये किया है भारत ने, भारत के चेन्नई शहर से ये लॉन्च किया था गया, पहला भारत का पहला ये रियूजेबल है हाइब्रिड रॉकेट है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, अगस्त 2024 में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और पूरी कोशिश करके उस राज्य के अंदर जो गांव था उसका नाम भी आप मुझे जरूर बताओगे, ताकि मैं बढ़िया तरीके से देख सकता हूँ आपकी कितने की तैयारी है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी आपको CET वगैरह 10 मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे एग्जाम से पहले पहले। इसके अलावा करंट की टेस्टरी चल रही है इंडिया वर्ल्ड राजस्थान की, और ये अपनी वार्षिक करंट की टेस्टरी चल रही है, डेली वीकली मंथली सब आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज है, टॉपिक पर वाइज आपको ये टेस्ट सीरीज दी जा रही है, बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट ग्रेड के लिए चल रही है स्पेशल भारत राजस्थान करंट, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।